नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एसएससी एमटीएस से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट खबर मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, और मैंने आपको एक हिंट भी दी थी कि मैं आपको एसएससी एमटीएस में जो सिलेक्शन ले चुके हैं ऐसे अभ्यर्थी से मिलाना चाहूँगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेने के बाद ड्यूटी के दौरान क्या क्या करना होता है, सारी बातें बताएंगे, और फॉर्म अप्लाई करने से लेकर ज्वाइनिंग तक किन किन एक्टिविटी से होकर हमें गुजरना होता है। जैसे कि आपको पता है कि प्रेजेंट में ऑनलाइन टेस्ट जो हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, क्या क्या होगा, सारी बातें ये बताएंगे। बड़े ध्यान से सुने और वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ है और काफ़ी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अभी होना बाकी है, तो क्या पता कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो एमटीएस को भले ही हल्के में ले रहे हैं, तो इस वीडियो को देखकर उन्हें लगेगा कि वाकई में एमटीएस में सिलेक्शन लेना भी एक बहुत बड़ा है, इस बेरोज़गारी में बहुत बड़ी अहमियत हो जाती है इस पोस्ट की भी। तो हम इनसे बात करेंगे, तो मैं आपको इनका परिचय करा देता हूँ। इनका नाम गौरव गर्ग है और ये अछनरा से बिलोंग रखते हैं, जो कि आगरा जनपद में पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। तो गौरव जी, इस समय पहले आप बताइए कहाँ आपकी पोस्टिंग है और इस समय आप कहाँ ड्यूटी कर रहे हो? फिलहाल मैं जयपुर हूँ। उससे पहले मेरी डायरेक्ट पोस्टिंग मुंबई में हुई थी। मुंबई से दो साल करने के बाद मेडिकल ग्राउंड पर ट्रांसफ़र लेने के बाद जयपुर ट्रांसफ़र हुआ है मेरा। फिलहाल मैं जयपुर में 6 महीने हो चुके हैं। 2016 MTS बैच का हूँ मैं, और SSC CHS 2018 में भी सिलेक्शन मेरा हो चुका है, जिसकी ज्वाइनिंग आई थिंक 5 से 6 महीने में हो जाएगी। आपने तैयारी कब से स्टार्ट की थी? तैयारी 2015 से स्टार्ट की थी, और 2016 का ये बैच है, 2017 में इसका एग्ज़ाम दिया था। तो आपने जो तैयारी की थी, सेल्फ स्टडी की थी या किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ली थी? लगभग 6 महीने की ऑफलाइन क्लासेस ली हुई थी मैंने आगरा, उसके बाद मैंने घर पर ही जाकर सेल्फ स्टडी की थी। आप सेल्फ स्टडी में ज़्यादा फोकस रखते थे और सेल्फ स्टडी को ज़्यादा कंफर्टेबल मानते हो आपके अकॉर्डिंग? करेक्ट। अच्छा, आपने जो आपकी भर्ती थी एसएससी एमटीएस वाली, वो फॉर्म सबमिट होने के बाद और जॉइनिंग तक कितना टाइम पीरियड रहा आपका? जो फॉर्म थे एमटीएस 2016 के, और मेरी जॉइनिंग हुई है जनवरी 2019 में, तो लगभग आप मान सकते हैं कि 3 से 4 साल तो एसएससी ले ही लेता है सिलेक्शन फाइनल जॉइनिंग में। जैसे कि हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद फिर क्या होता है? पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, फिर उसकी आंसर की आती है, फिर उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद आपका डेस्क्रिप्टिव होता है, डेस्क्रिप्टिव के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद आपके ज्वाइनिंग प्रोसेस चालू होते हैं, आपके जो डोजियर्स हैं वे डिपार्टमेंट्स के पास जाते हैं, फिर डिपार्टमेंट्स अपने प्रोसेस के हिसाब से आगे कार्य करता है। अच्छा, डीवी में क्या चेक करते हैं, वो किन डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा फोकस रहता है उनका? डीवी पर मेन होता है हाई स्कूल का आपका सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मेन होता है, और एक आईडी प्रूफ और फोटो और जो एडमिट कार्ड वगैरह वही होता है बस। अच्छा, इसमें मेडिकल भी होता है क्या? हाँ, मेडिकल होता है, किसी भी सेंटर गवर्नमेंट जॉब में मेडिकल तो होता ही है, किसी भी जॉब में मेडिकल होता है, और ये मेडिकल डिपार्टमेंट अपने अनुसार कराते हैं। मोस्टली डिपार्टमेंट्स मेडिकल जो कराते हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करवाते हैं, और कुछ डिपार्टमेंट्स अपने यहाँ बुलाकर कराते हैं। तो मेडिकल के दौरान आपका क्या क्या चेक किया गया था? मेडिकल में नॉर्मल चेकअप होता है आपका, बीपी, हार्टबीट्स, एचआईवी, कलर ब्लाइंडनेस, जो नॉर्मल चेकअप होता है वह, ये कुछ स्पेशल नहीं होता ऐसा। तो अभी जो आप प्रेजेंट में ड्यूटी कर रहे हो, तो ड्यूटी के दौरान आपको क्या क्या करना पड़ता है? जो भी टाइमिंग क्या है ड्यूटी की? टाइमिंग सर हमारी सुबह 9:30 से इवनिंग में 5:15 तक है टाइमिंग हमारी। और यही जॉब प्रोफाइल की बात, एमटीएस में सभी काम करने पड़ते हैं, जो कुछ डिपार्टमेंट आपको कहता है वो करना होता है, लेकिन जो काम होता है वह आपकी एफिशिएंसी के अनुसार होता है, आप किस तरीके से करते हैं वही काम डिपार्टमेंट देता है आपको, जैसी आपकी एफिशिएंसी वैसे ही आपको काम दिया जाएगा। अच्छा, बात करें सैलरी की तो हर कोई नहीं बताता है, लेकिन सैलरी के अलावा और क्या क्या आपको गवर्नमेंट के द्वारा सुविधाएँ दी जाती हैं?
CGHS होता है, सेंट्रल हेल्थ गवर्नमेंट स्कीम के तहत आपको मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह मेडिकल की सारी सुविधाएं दी जाती है। NPS होता है, नेशनल पेंशन स्कीम होता है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। जैसे कि अभी MTS में आपने सिलेक्शन ले लिया, लगभग आपकी जॉब को 2.5 साल हो चुके हैं, और आप बता रहे हैं कि 10+2 में भी आपका सिलेक्शन हो चुका है, लगभग 5-6 महीने बाद आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि आप MTS से रिजाइन देंगे। लेकिन कुछ बच्चे हैं कि MTS को बड़े ही हल्के में लेते हैं, क्योंकि SSC के द्वारा प्रेजेंट में MTS, 10+2 और CGL की तैयारी बच्चे ज़्यादा करते हैं, जो कि SSC के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे, जो आपका खुद का एक्सपीरियंस है, अगर उसे शेयर करेंगे तो मतलब बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? देखो, MTS एक प्लेटफॉर्म हो सकता है कि आप MTS ज्वाइन करने के बाद अलग अलग पेपरों की तैयारी भी कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे मैंने ही MTS को ज्वाइन करने के बाद CGL, CHSL की तैयारी की है, CGL का रिजल्ट भी पेंडिंग है। आपको अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो आप MTS ज्वाइन कीजिए, फिर आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी करेंगे तो लग ही जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि बच्चे अभी मैं बता दूं आपको, तो हर बार आपके जब आपने सिलेक्शन लिया होगा तो तब भी यही सिलेबस होगा, 25 की मैथ, 25 की रीजनिंग, 25 की इंग्लिश और 25 की GS। तो लगभग आपके टाइम कितनी मेरिट गई थी? सर, मेरी टाइम मेरिट गई थी लगभग 85% गई थी, क्योंकि उस समय 150 मार्क्स का होता था, आई थिंक 126.5 कुछ इस तरीके से गई थी मिनिमम मेरिट इस तरीके से। अच्छा, जो लिखित परीक्षा की बात की जाए, जैसे कि अभी ये ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, उसके बाद दूसरा पेपर MTS में होता है, तो लिखित परीक्षा किस लैंग्वेज में बच्चे को ज़्यादा कंफर्टेबल हो और वो क्या लिखे जिससे कि उसे ज़्यादा नंबर आए, उसके बारे में बताइए ज़रा। अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो ये भारत की मेनली हिंदी और इंग्लिश में होता है, और सही लिखने की बात, इसमें आपकी एफिशिएंसी देखी जाएगी कि आप कितना अच्छा लिख सकते हैं। इस बेहतर नंबर पाने के लिए आप इसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ और एग्जांपल्स दे सकते हैं, जिससे आपको नंबर और बेहतर आए, इस तरीके से कर सकते हैं। और प्रैक्टिस से तो कुछ भी हो सकता है। अभी तो आपका, अभी आपने MTS में ज्वाइनिंग ले ली, 10+2 में आपका हो गया, उसमें आप ज्वाइन करेंगे, तो क्या टारगेट, क्या CGL टारगेट है क्या? हाँ, मेरा CGL का भी फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है, तो टारगेट तो CGL ही है, वही जाकर ही रुकेंगे। तो आखिरी सवाल, बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? लगभग 5 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक कंटिन्यूसली एग्जाम होने वाले हैं, हालांकि बीच में कुछ छुट्टियां हैं, जैसे कि सैटरडे कल की छुट्टी थी, आज भी कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है, और SSC के द्वारा इस बार एग्जाम रिव्यू पर बैन भी लगाया गया है, तो क्वेश्चन बच्चों को हम नहीं बता पा रहे हैं, और भी कोचिंग्स वाले हैं जो एग्जाम सेंटर के बाहर जाके बच्चों से पूछते हैं कि क्या क्वेश्चन आए, फिर उन्हें बच्चों को बताते हैं, 4-5 नंबर की बच्चों को मदद मिल जाती है जिनका एग्जाम बाद में होता है, तो वो इस बार नहीं हो पा रहा है। हालांकि टॉपिक कुछ बता रहे हैं, हम भी कुछ टॉपिक बता देते हैं, लेकिन सवाल हम भी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि हमारी भी मजबूरी है, SSC ने बैन लगाया हुआ है। तो बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी समय है, जैसे कि मान के चलिए 2 नवंबर का किसी का पेपर हो तो उसे थोड़ी हेल्प मिल जाए, तो आखिरी क्वेश्चन मैं समाप्त करूँगा, तो क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप तैयारी करते रहिए, सबसे बड़ी बात है कि आप अपडेट रहिए कि किसी भी तरह की किसी इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि आपको पता ही है कि कितने सारे मेल प्रैक्टिसेज हो रही हैं, SSC ने भी नोटिस निकाला है, इस वजह से ये रिव्यू सोशल साइट से इसको बैन किया गया है। फिर भी आप अपडेट रहिए, अपने दोस्तों से अपडेट रहिए और तैयारी करते रहिए, आखिर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारे साथ गौरव गर्ग जी थे, और इन्होंने SSC MTS में सिलेक्शन ले रखा है, लगभग 2.5 साल इनकी जॉब को हो गई, ड्यूटी वर्तमान में पोस्टेड है जयपुर में, और 10+2 में भी इनका सिलेक्शन हो गया है, लगभग 5 महीने बाद इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और अभी CGL का जो फाइनल अभी जो रिसेंटली जो रिजल्ट आने वाला है वो पेंडिंग है, और इनके अच्छे मार्क्स भी हैं, इन्हें लग रहा है कि उसमें भी इनका हो जाएगा, और शुरू से ही इनकी यही फोकस रहा है, यही इनका टारगेट रहा है CGL का, और इन्होंने खुद बताया, यानी कि आप देख सकते हैं कि SSC MTS में खुद सेलेक्टेड कैंडिडेट से हमने आपकी बात कराई। जो लोग SSC MTS की इस पोस्ट को हल्के में लेते हैं, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद शायद ये ना समझेंगे कि MTS एक छोटी पोस्ट होती है, क्योंकि आपको बताइए कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, बेरोजगारी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपका जिस गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए आप उसे आराम से अचीव करिए, और अपनी आपकी जो भी तैयारी है उस तैयारी को बरकरार रखिए,
क्योंकि क्या होता है कि अब भैया ने एमटीएस में सिलेक्शन ले लिया, अगर ये चाहते तो एमटीएस के बाद फ्री आगे इनका सपना सीजीएल का था तो नहीं कर पाते, लेकिन कंटिन्यूस इनकी पढ़ाई बरकरार रही। क्योंकि आपको बताइए कि एक बार स्टडी का रिदम बन जाता है तो फिर कभी रुकता नहीं है, इन्होंने अपनी बरकरार रखी। आज इनका परिणाम भी इनके सामने है, एमटीएस में सिलेक्टेड है, 10+2 में सिलेक्टेड हो गए हैं और सीजीएल भी इनका पेंडिंग है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मैंने आपको एसएससी से जुड़ी हर एक खबर दिखाने का वादा किया है, तो 2 नवंबर तक रेगुलर ऐसे ही दिखाता रहूँगा, आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।